चांदिया, सोनू, रवि, जिनके ऊपर ये केस लगा गया, जिसमें से 5 किन्नर तो रेस्ट कर लिए पुलिस वालों ने, और ये 3 अपराधी जो लड़के हैं जो अभी तक रेस्ट हुए नहीं है, इन्होंने लड़कों ने वो आतंक मचा रखा है, आए दिन धमकियां दे रहे हैं, आए दिन रास्ते में फिर के हम लोगों को रोक के और धमकी दे रहे हैं कि या तो तुम राजीपा कर लो वरना तुम्हारा क्या असर करेंगे तुम्हें खुद ही पता नहीं। इसी बुनियाद पे उन लोगों ने धमकी दी थी मेरी चेतना, मेरी चेला जो नातानाड़े की वहाँ की गद्दीपति है, उसको इन्होंने पकड़ के और पहले तो दी धमकी कि तुम राजीपा कर लो वरना याद रखना तेरे हाथ गोड़े तोड़ेंगे, हमने तो पूजा का तो गेम रेप भी करा था, अपन तेरे को याद रखना तेरे साथ में क्या सुलूक करेंगे। हमने जाके मां मिंद्र थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी, उसमें उनको पाबंद करा गया, अपराधी तो गिरफ्तार अभी तक हुए नहीं, और माता का थान इन्होंने घेर के, चांदिया ने और सरोज ने, कोमल ने और रजनी ने, इन्होंने घेर के मेरी मेरी चेला चेतना का हाथ तोड़ दिया, बाकायदा उसकी मेडिकल हुई, बाकायदा पुलिसों ने छानबीन करी, बाकायदा वो मुजरिम पाए गए जिसमें उस अपराधी को उन्होंने पाबंद कर रखा है। और आज आज के दिन, आज है 7 तारीख, 7 तारीख को हमारे को नातानाड़े से फोन कराती है जिजबानों से, और 20-25 लड़के को लेके, 20-25 किन्नरों को लेके और फोन करा रही है कि तुम अभी के भी नातानाड़े आओ, अगर तुम मसल के हो तो नातानाड़े आओ, नहीं तो तुम्हारा हाथ गोड़े तोड़ूंगी, जो तो तोड़ूंगी और मुंह पे तुम्हारे डालूंगी तेजाब। तो हम हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं हमारे न्यूज चैनल वाले से, प्रशासन से और पुलिस वाले से और डिप्टी साहब से, कलेक्टर साहब से, कमिश्नर साहब से हाथ जोड़ के विनती, क्या हमें किन्नर तो क्या हमारी कार्रवाई होगी नहीं। मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ, ये जो अपराधी ये जो कर रहे हैं इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, वरना इनका इतना हौसला बुलंद हो चुका है कि ये लोग हमारे ही बनाड़ के अंदर, हमारे ही सेक्टर में ये अपराधी जो बलात्कारी कर चुके हैं वो मेरे बनाड़ में आके रह रहे हैं और मुझे